हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी, क्रीमी और टेस्टी स्ट्रॉबेरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 200 ml यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है चिल्ड, जिसको हम व्हिप करेंगे। इसको अच्छे से बीट करना है जब तक ये व्हिप हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे शुगर 1/3 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ली हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज 1/2 kg। आधा किलो स्ट्रॉबेरीज ली हैं, जिनके ऊपर से हम इनके टॉप जो है वो कट कर देंगे। और अच्छे से धोकर इनको साफ़ कर लेंगे। हाफ जो हैं, तकरीबन 7 से 8 जो हैं, वो हम चंक्स कट करने के लिए रखेंगे और बाकी को हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करेंगे और अच्छा सा उसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर चीनी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप और आइसक्रीम को मीठा करना चाह रहे हैं तो आप इसमें यहाँ पर चीनी यूज़ कर सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से वो ग्राइंड होकर स्ट्रॉबेरी का जो प्यूरी है वो यहाँ पर बन गई है। और बाकी की स्ट्रॉबेरी जो हमने रखी थी उसको हम कट करके स्मॉल स्मॉल पीसेस पे चंक्स कट कर लेंगे इसके। तो ये देखिए, बहुत छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो स्ट्रॉबेरी के तैयार हो गए हैं। अब हम विप जो क्रीम है उसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। और ये होममेड कंडेंस मिल्क है, जिसकी रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार होता है, घर पर ही आप बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी प्यूरी, जो हमने स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे इसमें। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी के चंक्स और इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारा, रेड रेड पिंक पिंक सा स्ट्रॉबेरी का। तो अब हम इसको अच्छे से तरीके से मिक्स करके अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। कोई भी आप ले सकते हैं मोल्ड, जिसमें आप ये बैटर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर का यूज़ किया है, आप सिल्वर फॉइल शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको एयर टाइट करने के लिए रबर बैंड्स लगा देंगे। कुछ इस तरह से आपने इसमें रबर बैंड्स लगाने हैं। और अगर आप बटर पेपर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिल्वर फॉइल शीट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा। तो ये देखिए, अच्छे से ये पैक हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 8 आवर्स या ओवरनाइट। तो ये देखिए, हमारी अच्छी सी आइसक्रीम जो है वो जमकर तैयार हो गई है। अब इसको खोल के दिखाते हैं कि आपको लग कैसी रही है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम जो है वो जमकर तैयार हो गई है।
बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। थोड़ी देर इस डिश को पानी में रखेंगे ताकि आपके आइसक्रीम इजीली बाहर निकल आए। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको कट करेंगे पीसेस में और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एंजॉय करिए, बनाइए और मज़े कीजिए।